अब हम देखते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर ए पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स। अब आपने वही इनका एनर्जी लेवल डायग्राम तैयार करना है, तो पहले हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे, बताओ किसका? ऑर्थोरम्बिक बॉक्स का। अब बताओ ऑर्थोरम्बिक बॉक्स में बताओ क्या होता है? तो पहले हमने क्या लिखा हुआ है ऑर्थोरम्बिक बॉक्स का मैथमेटिकल? अरे भाई, पार्टिकल के ऑर्थोरम्बिक बॉक्स में रहने के भाई पहले आपने क्या लिखा हुआ है? पार्टिकल के ऑर्थोरम्बिक बॉक्स में रहने का, ये तो क्या है वेव फंक्शन, ये तो क्या है भाई ऑर्थोरम्बिक बॉक्स में रहने का वेव फंक्शन। और ये क्या है ऑर्थोरम्बिक बॉक्स में रहने के जितने भी क्या है लाइफ स्टाइल, इस फंक्शन से आएंगे ना। और ये क्या है ऑर्थोरम्बिक बॉक्स की एनर्जी, हमने यूज क्या करना है यहाँ पर, एनर्जी एक्सप्रेशन, इजंट इट? अरे बोलो भाई, तो आपको साफ दिख रहा है भाई। अच्छा, ऑर्थोरम्बिक बॉक्स हम कैसे बनाएंगे जहाँ पर ए बी सी क्या हो डिफरेंट? तो भाई थोड़ा सिंपलिसिटी के लिए मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं ये बोल दूँ कि ए तो है ए लेकिन बी है 2A और सी है 3A, है ना? अरे भाई सिंपलिसिटी के लिए, इजंट इट? तो बताओ मेरे पास क्या आ जाएगा, तो मेरे पास एनर्जी फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा भाई ये, तो ये क्या हो जाएगा ई एन एक्स एन वाई और एन जेड, बताओ क्या आ जाएगा हमारे पास ये। तो ये भी क्या रखो 2A स्क्वेयर, ये भी क्या रखो 3A स्क्वेयर, 3A का होल स्क्वेयर भाई। तो यहाँ पर क्या जाएगा 4A स्क्वेयर, क्या हो जाएगा 9A स्क्वेयर, क्योंकि भाई आपने 3A का आपने होल स्क्वेयर करना है तो 9A स्क्वेयर आएगा ना। तो A स्क्वेयर क्या पहुंच जाएगा यहाँ पर कॉमन, तो ये अंदर क्या बचेगा बताओ, अंदर क्या बचेगा हमारे पास एन एक्स स्क्वेयर बाई 1 प्लस एन वाई स्क्वेयर बाई 4 प्लस एन जेड स्क्वेयर बाई 9, ये आ गया ना। और भाई क्योंकि यहाँ पर मैंने 2A का स्क्वेयर किया था तो 2A का स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर तो 4 हो गया और A स्क्वेयर भी बाहर चला गया। यहाँ पर मैंने 3A का स्क्वेयर किया था, है ना, तो 9 तो यहाँ रह गया और A स्क्वेयर क्या हो गया बाहर चला गया, वो तो बाहर क्या आ गया हमारे पास एच स्क्वेयर बाई। तो ये मैंने जो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया है भाई, ये इस वर्जन के लिए बनाया है क्या, इस वर्जन के लिए, बात आपको पहले पड़ेगी क्योंकि भाई अदरवाइज इसके बहुत सारे क्या हो जाएंगे एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं होगा ना, मतलब पॉसिबल तो होगा लेकिन भाई फिर तो आप कितने डायग्राम इसके भी तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो एच स्क्वेयर बाई 8 mA स्क्वेयर क्या होगा हमारे पास यूनिट, एच स्क्वेयर बाई 8 mA स्क्वेयर को आप क्या मान लो यूनिट मान ले, तो बताओ क्या होगा। अब बताओ आप पहला एनर्जी लेवल कैसे बनेगा, साई 111 की एनर्जी बताओ कैसे आएगी हमारे पास। अरे भाई साई 111 की एनर्जी कैसे आएगी हमारे पास, यहां पर क्या पुट कर दो 111, तो 1 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 9, सॉल्व कर लोगे वैसे हमारे पास भाई का स्क्वायर नहीं बेटा, हाँ मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 बाई 1, यहां पर तो 1 ही आएगा क्या? अरे भाई 1 बाई 4, 1 का स्क्वायर बाई 1, 1 का स्क्वायर बाई 4, 1 का स्क्वायर बाई 9, तो 111 आएगा, नीचे क्या रहेगा 149, तो 1 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 9, सॉल्व कर लो इसको। तो ये सॉल्व करने पर बताओ क्या आएगा हमारे पास, बताओ भैया आएगा हमारे पास, इजंट इट? तो ये हमारे पास क्या एनर्जी लेवल, फिर मैंने भैया ये 112 की एनर्जी है, ये 121 की है, ये 122 की है, इजंट इट? लेकिन किस केस के लिए भाई, ऑर्थोरम्बिक बॉक्स वैन बी इज इक्वल टू ए एंड सी इज इक्वल टू 3A, आसान है मुश्किल है?